हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नई टॉपिक के साथ मैं आफरीन खान। आज मैं आपको अपने छत के पौधों के बारे में बताऊंगी फ्रेंड। ये सारे के सारे प्लांट मेरे पूरे के पूरे छत में थे फ्रेंड। इसकी वजह से मुझे क्लीनिंग में बहुत दिक्कत हो रही थी, यानी कि पूरा छत भी मुझे क्लीन करना पड़ता था। सारे प्लांट को मैं इस साइड लेके आ जाऊंगी, यानी कि ये छत 30-40 का है, तो छत का एक हिस्सा मैं वहाँ पे पौधों को नहीं रखूंगी। तो मैंने कोशिश की है इस तरीके से पौधों को रखने की। और ये वाला जो टेबल है फ्रेंड, इस टेबल में मैंने सोचा है जैसे कि नाग चंपा, हिबिस्कस, ऐसे वाले जो पौधे जो होते हैं जिसे बहुत ज़्यादा धूप चाहिए, वैसे पौधों को रखूँगी। यानी कि इन पौधों को फ्रेंड, ये मोगरा है और ये नाग चंपा है, ये हिबिस्कस है, टिकोमा है, इनको मैं उस टेबल पर रखने वाली हूँ। ये सारे पौधे जो भी थे फ्रेंडली इस टेबल में थे, तो मैंने इस टेबल से हटा के उसे नीचे रख दिया है, उसे उस लंबे वाले टेबल में रखना है। और यहाँ पे सब ये पेंटास का और ये जो बल्ब वाले प्लांट होते हैं जैसे कि फुटबॉल लिली या क्रॉसेंड्रा, इसमें बहुत ज़्यादा भी धूप नहीं चाहिए, तो ये जगह ठीक रहता है, आधी दिन की धूप रहती है यहाँ पर, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इनको रख दिया है। तो इस तरीके से मैं छत में कुछ क्लीनिंग कर रही हूँ। वो हिस्सा क्या होगा फ्रेंड कि मुझे वहाँ पर क्लीन करना नहीं पड़ेगा, सारे के सारे पौधे मेरे यहीं पर रहेंगे, इसलिए मैं इनको धीरे धीरे सारा सेट कर रही हूँ। और उस साइड जो ये पाउंड था मेरा मछली का, मैंने यहाँ पे ला के रख दिया है। और इसमें अभी ज़्यादा पानी भी मैंने नहीं डाला है, थोड़ा सा ही पानी डाला है, क्योंकि और थोड़ा क्लीन करना होगा इसको। इसमें कुछ 2-3 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन होता है फ्रेंड, और इसका पानी गंदा होने लगता है, इसे तब तक क्लीन करना पड़ता है। और इस पॉट में मुझे फ्रेंड गेंदे के पौधे लगाना है, तो मैंने इसमें जो वडालिया के ये प्लांट लगे हुए थे मैंने निकाल लिया है। इसकी कटिंग मैं दूसरे जो भी कंटेनर है उसमें लगाऊंगी। और ये है पर्पल टर्टल वाइन, तो ये थोड़ा सा कटिंग यहाँ पे गिरा था फ्रेंड, और एकदम से ये बहुत ज़्यादा एकदम भर गया है इसमें ही। और यहाँ पर मैंने छोटे छोटे, ये देख सकते हैं आप, ये मिर्ची के छोटे छोटे से पौधे उग गए हैं फ्रेंड। मैंने यहाँ पर सीड डाल दिया था, तो मैं इसको एकदम से पॉट को खाली करने वाली हूँ, सिर्फ ये कॉस्मस के प्लांट को छोड़ दूंगी, क्योंकि इसमें सीड बनने मैंने दिया है। और ये एक पौधा मैंने लाया था फ्रेंड, ये पता नहीं कौन सा पौधा है, मुझे किसी ने दिया था, मैंने लगा दिया है। और ये दो पौधों को सिर्फ मैं रहने दूंगी। टर्टल वाइन का जो प्लांट है मैं निकाल लूंगी एकदम से और किसी और में शिफ्ट कर दूंगी। और इसमें मैंने मुझे छोटे छोटे से बेबी प्लांट है ये गेंदे के, यहाँ पर इनको मुझे शिफ्ट करना है उसमें। मैंने पौधों को पहले कैसे रखा था वो सही था, या फिर जैसे अब रखने की कोशिश कर रही हूँ ये सही है, आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। ठीक है दोस्तों, मिलती हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में।